हाय, बोल दो बोल दो, तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो बहुत टाइम हो गया कोई व्लॉग नहीं किया, और मेरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद व्लॉग्स में यही लाइन होती है कि बहुत टाइम हो गया और कोई व्लॉग नहीं किया। लेकिन सच में मैं बिज़ी हो गई थी और देहरादून आके, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो गई थी शिफ्टिंग की, शिफ्ट वगैरह करना था और फ्लैट्स ढूंढने थे, तो वो वाला थोड़ा सा इशू हो गया था। लेकिन अब सब कुछ हो गया है, शिफ्ट हो गया है, सब कुछ सॉर्टेड है अब। और आज है सैटरडे, तो मैंने सोचा आज बढ़िया दिन है दोबारा से स्टार्ट करने का सब कुछ। तो दिखाती हूँ आपको पहले रूम, रात तो गया, रूम मिली है भाई, रूम दिखाती हूँ। और बाकी शाम के देखते कुछ प्लान्स हैं तो वो भी दिखाती हूँ आपको, अगर वो प्लान सक्सेसफुल हुए तो। बाकी चलते हैं। तो ये रहा मेरा रूम, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सामान है वो पड़ा हुआ है सारा, एक्स्ट्रा रजाई गद्दे जितने थे हमारे पास वो, क्योंकि ये पीछे जो भी देख रहे हो ना ये सब एक्स्ट्रा है, और ये इतने ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब रेंट पे दे सकती हूँ, उन्हें वो काम स्टार्ट कर सकती हूँ, इतने ज़्यादा है ये। तो बाकी देखते हैं शाम में क्या क्या होता है। और किचन है बाहर, तो आपको किचन भी दिखाती हूँ। चलो किचन देखते हैं और आपको दिखाती हूँ। हाँ, सबसे परफेक्ट चीज़ यहाँ पे मुझे लगती है ये लोकेशन, बहुत ज़्यादा सुंदर है, हर तरफ ग्रीनरी है। आपको एक बार छत से दिखाती हूँ व्यू। चलो ये इधर 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 इधर, ये राजी हमारा किचन, ये रहा किचन। और आज बनाई थी शिमला मिर्च और आलू, ख़त्म हो चुके। और बाकी ये देखो, इधर तो ग्रीन ग्रीन है ही। तो जा रहे हैं हम जिम, मतलब जा रही हूँ मैं जिम, और आपको मिलाती हूँ डॉली से, ठीक है? वो मेरे से ना चला भी नहीं जा रहा है। हमने कल नहीं परसों, कल परसों में लेग्स मारी थी, तब से तो भैया मेरी हालत बुरी है। ऊपर से तीसरी मंजिल पर रहते हैं तो सीढ़ियाँ उतरने में हो जाती है हालत ख़राब। बाकी मिलवाती हूँ आपको अभी डॉली से, पानी भर लो पहले। ये रही डॉली, इसके साथ जाती है जिम। तो चलो, और वो रहा कालू, मतलब सारे काले कुत्ते कालू। हाय कालू, हाय हाय हाय, बोल दो बोल दो, तुम्हारी आँख बहुत सुंदर है। चलो पहुंच गए हम जिम। ये रहा, ये रहा जिम बॉडी टेंपल, और थोड़ी सी क्लिप डाल दी है मैंने अंदर की भी, ज़्यादा तो बना नहीं पाई। अब मैं पीछे बैठ गया हूँ तो मैं आपको नाइट व्यू दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस टाइम मैं कैमरे पर आ रहा हूँ। रुक जाओ, अब मैं बैठ गया हूँ पीछे, दिखाता हूँ, ठीक है? नाइट तो क्या ही हो रही है, इवनिंग व्यू। आवाज़ आ रही होगी, तो अब जिम से तो वापस आ गए हैं, और जो शाम का प्लान था वो इतने टाइम से मैं किसी भी फ्रेंड से नहीं मिली अपने, क्योंकि वही काम था, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अभी प्लान बना है एक, तो अभी जा रही हूँ मैं उनके साथ एक पार्टी करने छोटी सी, और अगर वो कंफर्टेबल हुए तो उन्हें ज़रूर लूँगी ब्लॉग में, वरना आप लोग तो चलो मेरे साथ। तो तैयार होके मिलते हैं। तो आज है संडे, और
कल शाम में nobody was interested, किसी को ब्लॉग में आना ही नहीं था, और मैंने इसलिए कैमरा ही बंद कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इन लोगों के साथ ब्लॉग किया था और इन लोगों ने मुझे वो पब्लिक नहीं करने दिया था, मतलब मैंने एडिट करके अपलोड भी कर दिया था, ब्लॉग अभी तक मेरे अपलोड में पड़ा हुआ है, वो पब्लिक नहीं हुआ है बस। तो मैंने सोचा इस बार तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि फिर से इतनी एडिटिंग करो, इधर से कोई आ जाएगा उसे हटाओ, इधर से कोई आ जाएगा उसे हटाओ, तो मैंने फिर बनाया ही नहीं वीडियो। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, सब्ज़ी बन गई है और फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, बाय बाय। तो ये रहा मेरा खाना और मेरी माँ को लगता है कि हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खाते हैं, तो मम्मी जी देख लीजिए हम यहाँ रोज़ खाना खाते हैं। तो मैंने अपना वैक्सीन का सेकेंड डोज लगनी थी मेरी, उसका स्लॉट बुक कर लिया है, फ्री वाले स्लॉट तो खैर बुक हो नहीं रहे, पेड वाले ही हुआ है, फ्री वाले बहुत मुश्किल से भी हो रहे हैं, तो विकास नगर के भाने वाला कितने दूर दूर के हो रहे हैं, तो डेढ़ दो घंटा तो वेस्ट हो जाएगा वहाँ जाने में और कोई फ़ायदा नहीं इतने दूर जाने का। तो अब मैंने पेड वाला स्लॉट बुक कर लिया, आज का शाम का 4 से 5 बजे का है, और मैंने जब दादी को बताया तो दादी कहते हैं कि बेटा तुम आ जाओ थराली और तुम यहाँ वैक्सीन लगवा लो, यहाँ पे फ्री वाली वैक्सीन लगवा लो और फिर चले जाना। मतलब वो मेरे को चाहते हैं कि मैं 3,000 रुपये 1,500 खर्च करके ऊपर से 2 दिन वेस्ट करके वहाँ जाऊँ, और 8-9 घंटे तो जाने आने में लग जाते हैं, तो एक तरफ का 8-9 घंटे तो लग ही जाते हैं, इतना वेस्ट करके वहाँ जाऊँ और फिर फ्री वाली वैक्सीन लगवा के मैं वापस आऊँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि पता तो मैं किराया कितना हो रहा है, तो कहते चलो ठीक है फिर लगवा लो वहीं पे पेड वाली। तो मैंने अभी करवा लिया है स्लॉट बुक, शाम को देखते हैं, क्योंकि हर जगह अब लोग पूछ रहे हैं कॉलेज में या कहीं पे भी तुम जा रहे हो तो या तो रिपोर्ट मांग रहे हैं या बोल रहे हैं तुम वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, मतलब तुम्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। तो देखते हैं, बताती हूँ आपको, अपडेट देती हूँ क्या होता है। तो मेरी वैक्सीन का तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ये भैया जी को दोबारा से प्रॉब्लम होने लगी है मेनिनजाइटिस की, तो मैं इन्हें लेके हॉस्पिटल आई हूँ। मैंने लोग सिनर्जी में आया और यहाँ पे ना भीड़ देख के तो अजीब लग रहा है ना कि सब लोग ही परेशान है यार, सब लोग ही, मतलब इतने सारे लोग हैं ना यहाँ पे, सब किसी ना किसी चीज़ से परेशान है, और ये इनकी आँखें टूट चुकी है अंदर से, पता नहीं क्या ही करता रहता है। तो मेरा वैक्सीन तो नहीं लग पा रही है, अब वैक्सीन का बाद में ही देखेंगे, वो प्लान करते हैं पोस्टपोन, बाकी अभी से लेके आई हूँ, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो आकाश को डॉक्टर के पास ले गए थे और डॉक्टर ने उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट बता दिया है, एक तो TCD करके टेस्ट है वो 10,000 का और है, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह भी हैं, तो अब कल फिर से जाना उसके टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, और बस अभी तो इतना ही, और थोड़े से काम हम चल रहे तो थोड़ा सा बिजी हो रखे हैं हम, बाकी ब्लॉग्स अब आते रहेंगे, हफ्ते में एक तो आएगा ही आएगा पक्का। तो अगर आपने इतनी वीडियो देखी ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजेंड पहाड़न, थैंक यू।